Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे आप सभी लोग? आई होप एंड विश कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और ऑलमोस्ट अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और आज तो गवर्नमेंट ने आपका टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। किसी भी कोविड की सिचुएशन की उम्मीद मत कीजिएगा, सारा पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे नंबर हमको लेकर आने हैं। जो भी कैंडिडेट्स, जो भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी अपडेट्स हैं आपको, हालांकि कुछ खास अपडेट्स मिलेंगे नहीं अब क्योंकि आपका टाइम टेबल आ चुका है, इसके बाद तो सीधे एडमिट कार्ड्स आएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के थ्रू मिल जाएगी और साथ ही साथ आपका जो स्कूल है वो भी आपको प्रोवाइड करवा देगा। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो कॉमर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। मैं एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जिसमें एमसीक्यू सीरीज़ रहेंगे और वन लाइनर्स रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो 30 मार्क्स का हमारा पेपर है वो केवल 1 मार्क का है, ठीक है। और उससे पहले मैं पहले मोड जो हमारा मॉडल पेपर है वो डिस्कस करूँगी, और इसके बाद जो आपका बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है उसमें आपके 12 जो सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी 12 जो आपके चैप्टर्स हैं उनके हम अच्छे से बात करेंगे, आपको कौन सा चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। साथ ही साथ एमसीक्यू सीरीज़ भी हम यहाँ पर रखेंगे आपके लिए, ताकि हर चैप्टर में से आने वाले क्वेश्चंस, फिर इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊँ और आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से ला पाएँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद से दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले टाइम टेबल की। अगर हम टाइम टेबल की बात करें कैंडिडेट्स, तो आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 8:30 से कितना रहने वाला है, 11:45 रहने वाला है, यानी कि आपका 3 hours and 15 minutes का पेपर यहाँ पर रहेगा। ये जो आपका टाइम टेबल है ये पूरा प्रॉपर टाइम टेबल है, इसमें आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों के बारे में बात की गई है। बट हम एक बार शॉर्ट डिटेल में जल्दी से पहले कॉमर्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस डिटेल टाइम टेबल को डिस्कस कर लेंगे, ताकि जिस भी कैंडिडेट का जो सब्जेक्ट है वो अपने पेपर पे, कॉपी पे कहीं भी नोट डाउन करके रख लो। और प्लीज़ 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 अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जो बच्चे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स लेना चाहते हैं और काफ़ी कुछ अच्छा करना चाहते हैं फ्यूचर में, आपके लिए पढ़ाई ही एक अच्छा सोर्स है जिसके थ्रू आप अपने अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका कॉमर्स का टाइम टेबल है वो 20 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, और आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी वो आपका सबसे पहला एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो इंग्लिश है वो 22 मार्च को होगा, यानी कि बुधवार को होगा। उसके बाद वाला जो एग्ज़ाम है आपका 24 मार्च शुक्रवार को हिंदी का एग्जामिनेशन है, 27 मार्च को आपका बिजनेस स्टडीज़ का, और मेरा पूरा फोकस आप लोगों के साथ गाइस बिजनेस स्टडीज़ पर रहेगा। तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाना, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी चैप्टर, और आपके लिए अच्छे मार्क्स यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। अभी के लिए कुछ प्रीवियस टॉपिक्स मेरे चैनल पर पड़े हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। विद इन 1 or 2 weeks मैं यहाँ पर प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करूँगी और आपके 12 के 12 चैप्टर का हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। 28 मार्च मंगलवार को आपका पेपर है टाइपिंग का होगा, जो कि हिंदी सब्जेक्ट का रहेगा, यानी कि हिंदी टाइपिंग का। 31 मार्च शुक्रवार को मैथ्स वाले बच्चों का एग्ज़ाम रहेगा। इसी के साथ 1 अप्रैल शनिवार को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र वाले बच्चों का पेपर रहेगा। 3 अप्रैल सोमवार को आईपी वालों का है, और 10 अप्रैल सोमवार को टाइपिंग इंग्लिश वालों का पेपर रहेगा। तो ये हमारा टाइम टेबल है, आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपका प्रॉपर टाइम टेबल है। तो कैंडिडेट्स अगर हम बात करें तो 9 मार्च को आपका मनोविज्ञान का पेपर है, 10 मार्च को लोक प्रशासन, 11 मार्च को पर्यावरण विज्ञान, 12 मार्च का ऑफ रहेगा, 13 मार्च को आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, और 14 को जो आपका म्यूजिक से रिलेटेड एग्जाम है वो रहेंगे, 15 मार्च को आपका समाजशास्त्र का पेपर रहेगा, और 16 मार्च को कोई एग्ज़ाम नहीं है, 16 मार्च को क्या है आप सभी का ऑफ रहेगा, 17 को आर्ट्स वालों का संस्कृत साहित्य, और नेक्स्ट आपका 18 मार्च को भी ऑफ है, 19 मार्च को भी ऑफ है, 2 days का गैप है। उसके बाद 20 मार्च को भूगोल का, देन अकाउंटेंसी का, और आपका यहाँ पर भौतिक विज्ञान का। अगेन 21 मार्च को आपके लिए ब्रेक रहेगा, 22 मार्च को सभी का कॉमन पेपर इंग्लिश का रहेगा, 23 मार्च को फिर से ऑफ, चेटीचंद का ऑफ रहेगा, 24 मार्च को हिंदी कंपलसरी का एग्ज़ाम, 25 को ऑफ, 26 को ऑफ, काफ़ी सारे ऑफ हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी। नेक्स्ट है आपका 27 मार्च को, तो फिर आपका हिस्ट्री का, बिजनेस स्टडीज़ का, नेक्स्ट आपका रसायन विज्ञान का, और कृषि रसायन विज्ञान का और रसायन विज्ञान, फिर है 28 मार्च को अंग्रेजी साहित्य और टंकन लिपि यानी कि टाइपिंग, 29 को वापस छुट्टी, 30 को छुट्टी, फिर 31 मार्च को मैथ्स का, 1 अप्रैल को इकोनॉमिक्स का, और आपका स्टेनो का हिंदी, देन इंग्लिश, कृषि जीव विज्ञान और जीव विज्ञान का पेपर,
अगेन रविवार का हमारे पास अवकाश, फिर कंप्यूटर विज्ञान का है 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल का फिर से हमारे पास छुट्टी आ गई महावीर जयंती की, 5 अप्रैल को बात करें तो दर्शन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, 6 अप्रैल में पॉलिटिकल साइंस, और नेक्स्ट आपका भू विज्ञान, कृषि विज्ञान, फिर से एक और ऑफ गुड फ्राइडे का 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को गृह विज्ञान का, 9 अप्रैल को वापस से ऑफ, 10 अप्रैल को आपका हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, सिंधी लिटरेचर, गुजराती, पंजाबी, फारसी, राजस्थान, प्राकृत भाषा और टाइपिंग इन इंग्लिश का एग्ज़ाम। ध्यान रखिएगा जो टाइपिंग का पेपर है वो आपका 9 बजे से स्टार्ट होगा, और इसी के साथ 11th ऑफ अप्रैल को आपका ड्राइंग का पेपर रहेगा, एंड 12th ऑफ अप्रैल को जो रिमेनिंग पेपर्स बचते हैं उसमें से आप चूज़ कर लीजिएगा कैंडिडेट्स कि आपका पेपर कौन सा है, तो आपका एग्ज़ाम 12th ऑफ अप्रैल को लगेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं तो हमारे पास अब कोई भी एग्ज़ाम बचता नहीं है, सारे एग्ज़ाम की हमने यहाँ बात कर ली शॉर्ट एंड स्वीटली। आई होप एंड विश कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगेन आई एम सेइंग कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 9 मार्च और हम ये अभी कहाँ पर आ चुके हैं, अभी गाइज हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट 12 जनवरी, वो भी आज फिनिश हो रही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने आपके पास ऑलमोस्ट हैं, तैयारी बेस्ट टू बेस्ट करिए, स्टार्ट कर दीजिए। कॉमर्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो बिज़नेस स्टडीज़ की सीरीज़ है बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी ही नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी वे में मैं समझाऊँगी, और साथ ही साथ क्वेश्चन का पैटर्न, आंसर लिखने का पैटर्न, सारी चीज़ें हम बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहना, बने रहना। जल्द मिलेंगे आप लोगों की नई सीरीज़ के साथ, बिज़नेस स्टडीज़ आपका MCQ सीरीज़। जब तक अपना ध्यान रखो, फेस्टिवल एंजॉय करो, साथ ही साथ पढ़ाई करते रहो।